आज दिल्ली में आयोजित होगा सीबीआई का भ्रष्टाचार रोधी सम्मेलन। पीएम मोदी करेंगे सम्मेलन का उद्घाटन। सतर्क भारत समृद्ध भारत रखी गई है सम्मेलन की थीम। 56 विधानसभा सीटों और एक लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए प्रशासन ने कसी कमर। बूथ पर आज पहुंचेंगी पोलिंग पार्टियां। 3 नवंबर को अलग अलग राज्यों में डाले जाएंगे वोट। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को लगेगा धक्का। कांग्रेस की कद्दावर नेता अन्नू टंडन आज होंगी सपा में शामिल। नाराजगी के चलते 29 अक्टूबर को पार्टी से दिया था इस्तीफा। कृषि कानून के खिलाफ शांत नहीं हुआ किसानों का गुस्सा। आज हरियाणा में मोर्चा खोलेंगे किसान। झज्जर में बड़ी संख्या में प्रदर्शन करेंगे अन्नदाता। शीतकालीन के चलते स्कूलों में बदला समय। आज से स्कूल खुलने का समय सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक रहेगा। फिलहाल अभी कई राज्यों में नहीं खुले हैं स्कूल। राजधानी में महामारी के बढ़ते आंकड़ों की वजह से परेशान सरकार। आज होगी केंद्र और दिल्ली सरकार की अहम बैठक। शीर्ष अधिकारियों संग करेंगे हालातों की समीक्षा। न्यूजीलैंड के पीएम जेसिंडा आर्डनन आज करेंगी सरकार का गठन। कैबिनेट में सहयोगी ग्रीन पार्टी के 2 मंत्रियों को भी करेंगी शामिल। आम चुनावों में हासिल की थी भारी जीत। जेएनयू में 7 महीने बाद आज से फिर शुरू होगी पढ़ाई। प्रशासन ने छात्रों के लिए अनिवार्य किया आरोग्य सेतु ऐप। छात्रों की सुविधा के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया। आज से शुरू हो रही कोयला ब्लॉक की नीलामी। 5 कोयला ब्लॉक के लिए लगेगी बोली। झारखंड के चकला ब्लॉक को पाने के लिए बोलियां लगाएंगी कई कंपनियां। और आज होगा दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला। अंकतालिका में शीर्ष 2 में जगह बनाने पर टिकी होंगी निगाहें। दिल्ली ने लगातार गंवाए हैं 4 मैच।